मेवात के लिए अपने आप में एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मेवात के ज्यादातर जो लोग हैं वो आंखों की समस्याओं से परेशान हैं। खुजली मची है, आंखों में जलन होती है। कब से परेशान है आप? ऐसे पांच महीने से। तो आँखों में आँखें ये तो खराब होगी, बनवाई ही। अच्छा, अब यहाँ से बहुत कम देखन लगो, दिन दर्द रहे सिर में। सर में दर्द होता है? सर में दर्द है। हाँ, जिनकी रिपोर्ट फिट होती है उनको ही हम चेकअप करते हैं, जिनकी रिपोर्ट फिट नहीं होती है उनको हम पहले मेडिसिन देते हैं, उसके बाद उनका ऑपरेशन फ्री करते हैं। अच्छा, मेवात के लिए अपने आप में एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मेवात के ज़्यादातर जो लोग हैं वो आंखों की समस्याओं से परेशान हैं। लेकिन अब आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंखों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे मेवात में एक डॉक्टरों की टीम घूम रही है और लगातार जगह जगह जाकर के कैंप लगा रही है। और ये कैंप ज़्यादा पैसे का नहीं बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें गांव के लोग आकर के, मेवात के लोग आकर के इस कैंप का फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथ ही जितने मेवात के लोग थे वो अभी तक दूर दूर जाते थे अपने आँखों का इलाज कराने के लिए, अब आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि पुनाना में ब्राइट आई केयर सेंटर के नाम से एक सेंटर खोला गया है, जहाँ पर आँखों का चेकअप किया जाता है और किसी भी तरीके से आँखों की समस्या होती है तो उसका इलाज किया जाता है। आज फिलहाल हम लोग मौजूद हैं बीसरू गांव में, और बीसरू गांव में एक कैंप लगाया गया है, जहां पर बीसरू गांव के सहित आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, अगर उनकी आंखों में समस्या है तो उसका चेकअप किया जा रहा है, उसका इलाज किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे आंखों का इलाज कराने के लिए आपको 10,000 रुपये की फीस जमा करनी पड़ती है या फिर खर्चा उठाना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको 10,000 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी आंखों का इलाज हो जाएगा। और साथ ही जब हम यहाँ के डॉक्टर से बात कर रहे थे, इन्होंने बताया कि अगर गांव के सरपंच चाहें तो हर गांव में फ्री ऑफ कॉस्ट ये कैंप लगाया जा सकता है और हर गांव के समस्या, जो आंखों की समस्या है गांव के लोगों की, उसका समाधान हो सकता है। आइए सीधा बात करते हैं यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर कैंप लगाया है। मेरे साथ देखेंगे तीन डॉक्टर्स हैं जो लगातार जो गाँव के लोग आए हुए हैं इनकी आँखों का चेकअप कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आँखों में क्या दिक्कत है। सच में तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। थोड़ा तेज बोलिएगा। अच्छा, ये बताइए कि जो आप कैंप लगा रहे हैं, इस कैंप लगाने का उद्देश्य क्या है आप लोगों का? सर, हमारा कैंप लगाने का उद्देश्य ये है कि जो मेवात के अंदर गरीब लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों के पास पैसे की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दूसरा ये कि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है जी, तो हमारा मेन मकसद ये है कि यहाँ पे जो लोग मोतियाबिंद से परेशान हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे आँखों की मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो हम उन लोगों का सभी का इलाज फ्री कर रहे हैं जी। जैसे आँख में पानी आना है या एलर्जी होती है या मोतियाबिंद है, क्योंकि मोतियाबिंद का जो कम से कम ऑपरेशन का जो फेको ऑपरेशन होता है दूरबीन से, उसका 10,000 रुपये लेते हैं, तो हम उन सभी लोगों का ऑपरेशन फ्री कर रहे हैं। आज हमने जैसे कि गांव बीसरू में कैंप करा, तो इसमें से अभी तक हम 20 मरीज ले जा चुके हैं यहां से, और उन सबका ऑपरेशन फ्री होगा। इससे पहले भी हमने मेवात के अंदर ऐसे बहुत कैंप करे हैं जिनमें हम लोगों का फ्री ऑपरेशन करे हैं। अच्छा, ये बताइए जैसे कि बहुत सारे मेवात के जो आवाम हैं, बहुत सारे लोगों को कम दिखता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नज़दीक का दिखता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दूर का दिखता है, ये समस्या बहुत ज़्यादा है, मोतियाबिंद का जो आप बता रहे हैं, आंखों से पानी निकलना, लालपन और जलन होना, तो ये जो समस्या है इनका इलाज कराने के लिए लोग बाहर जाते थे, तो आप आज इनका समाधान कैसे करेंगे, कैसे इलाज करेंगे इनका? सर, हमने एक ब्राइट आई केयर सेंटर के नाम से पुनहाना में एक सेंटर डाला है, हमने वहाँ पे अगर कोई भी लोग आएगा तो उनका हम इलाज फ्री करते हैं। दूसरा ये है कि जितने भी मोतियाबिंद के मरीज होते हैं, अगर कोई चाहे कि हम अपना गाँव में कैंप लगवाना चाहता है, कोई जैसे सरपंच लोग हैं, जैसे जो कोई जिम्मेदार लोग हैं, तो हम वहाँ पे कैंप फ्री करते हैं, वहाँ पे जितने भी मरीज होते हैं हम सबको फ्री देखते हैं, सबका इलाज फ्री करते हैं। वहाँ पे जैसे किसी को एलर्जी है तो उनकी हम जांचें वहीं करके उनको दवा दे देते हैं, और जिनको चश्मे की जांच जरूरत होती है उनको हम चेकअप करने के लिए सेंटर बुलाते हैं, जिनका हम चेकअप फ्री करते हैं। अगर उनको चश्मा लेना है तो उसका हम मिनिमम से मिनिमम उनसे पैसा लेते हैं, क्योंकि देखो सब चीज़ें फ्री नहीं करी जा सकती, कुछ चीज़ें देखो हमें भी खर्चा होता है भाई, मेडिसिन का हो गया, मेडिसिन हम कैंप में सबको फ्री देते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी हम कैंप करते हैं वहाँ पे कम से कम हम 10-20,000 रुपये की मेडिसिन आराम से खर्च करके आते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि जैसा आप बता रहे हैं कि यानी कि जगह जगह जाऊँ, गांव गांव जाकर के आप लोग कैंप लगा सकते हैं,
तो इसका मतलब कोई फीस वगैरह कोई चार्ज वगैरह जैसे दवाइयों का या फिर चेकअप का कोई? सर कैंप के अंदर जिसका भी कोई चेकअप होता है उसका हम किसी से कोई चार्ज नहीं लेता, सबका फ्री करते हैं। और मोतियाबिंद का ऑपरेशन हम उनको घर से लेके जाते हैं और वापसी उसको दूसरे दिन उनको घर पे ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, कहाँ लेकर जाते हैं आप? जैसे आप बता रहे कि 20 लोग हम लोगों ने 20 गाँव से लिए हैं आज। सर हम उनको एबल चैरिटेबल हॉस्पिटल बहरोला पलवल में है वहाँ पे हम उनको लेके जाते हैं और वहाँ पे हम उनको ऑपरेशन करके वापसी दूसरे दिन उनको घर पे ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, वहाँ पे उनका चेकअप होता है और आंखों की समस्या समाधान हो जाता है? सर वहाँ पे उनका हम कम्प्लीटली चेकअप करते हैं, उनका बीपी है, शुगर है, जिनकी रिपोर्ट फिट होती है उनका ही हम चेकअप करते हैं, जिनकी रिपोर्ट फिट नहीं होती है उनको हम पहले मेडिसिन देते हैं उसके बाद उनका ऑपरेशन फ्री करते हैं। अच्छी बताइए, अभी तो आप यानी गाँव गाँव जाकर के कैंप लगा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे गाँव भी हो गए जहाँ पर आप नहीं पहुँच पाएंगे या फिर यानी कि कोई आज कैंप नहीं लगा पाए समय की वजह से, तो अगर वो लोग अगर आए आप पास में तो कैसे आएंगे, कहाँ आएंगे? सर अगर कोई लोग अपना ऑपरेशन कराना चाहता है या किसी को भी आंखों में कोई दिक्कत है तो वो पुनहायना में ब्राइट आई केयर के नाम से हमने एक सेंटर डाला है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे ऐसा कोई सेटअप नहीं था तो अब हमने यहाँ पे एक सेटअप डाला, आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं और वहाँ पे अगर किसी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा हम पहले उनका चेकअप करेंगे और उनको सेंटर से ले जाएंगे फिर उनको वहीं सेंटर पर लाकर ड्रॉप कर देंगे, उनका फ्री ऑपरेशन होगा। अच्छा, पुनहाना में कहाँ पर है? सर ये मदीना मस्जिद के पास है, जो पन्हाने में बस स्टैंड है, बस स्टैंड के बराबर में मदीना मस्जिद है, मस्जिद के बराबर नहीं है सेंटर, वहाँ पे हमने ब्राइट आई केयर के नाम से सेंटर खोला हुआ है, वहाँ पे मेवात के नहीं बाहर से भी कोई भी लोग आएगा सबका ऑपरेशन हम, अगर किसी को मोतियाबिंद की शिकायत है तो हम सबका ऑपरेशन फ्री करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ और भी लोग आए हुए हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? सलमान भाई। सलमान कहाँ से आए आप? यही से, 20 रुपये से। अच्छा, दिक्कत क्या है आपकी आंखों में, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं बचे, आंखों में जलन होती है। अच्छा, कब से परेशान है आप? ऐसे 5 महीने। 5 महीने से। तो आपको पता कैसे लगा इनके बारे में कि आज कैंप लगवाए गांव में? ये मस्जिदों में ऐलान हुआ। अच्छा, गांव में मस्जिदों में ऐलान हुआ आज, तो ये तो अच्छी बात हो गई, मतलब घर बैठे डॉक्टर आ गया आप पास में? हाँ, उड़ पास के नाटोली से भी यहाँ से मरीज आए हैं। अच्छा, फड़दड़ी से भी आए, आसपास के गांवों में सब मेलान हुआ आड़ पास। ये ऐसे कैंप लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए गांव में? लगने चाहिए, ये तो आंखों का है, बाकी और बीमारी कैंप लगने चाहिए। काफ़ी फायदा हुआ हमारे, बहुत फायदा हुआ है, चेकअप कराने के लिए दूर जाते हैं, दूर पलवल वगैरह है ना, दूर। देखिए ये यहाँ के पेशेंट्स वगैरह हैं जो कि गांव के ही लोग हैं और लगातार अपनी आंखों का चेकअप करा रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि किस तरीके से डॉक्टर्स की टीम लगातार लगी हुई है और जो गांव के लोग आ रहे हैं या फिर बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी या फिर बच्चे हैं, आंखों में किसी भी तरीके की कोई समस्या है उसका चेकअप कराने लिया, पीछे दादाजी भी आ रहे हैं, पीछे आप देखेंगे कि किस तरीके से बुजुर्ग लोग हैं जो कि यहाँ पर चेकअप कराने बैठे हैं। इसके अलावा एक बड़ा पोस्टर यहाँ पर लगाया हुआ है, ब्राइट आई केयर सेंटर पुनहाना निःशुल्क नेत्र जाँच शिविर, यानी कि निःशुल्क जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर जांच करने के लिए ये शिविर लगाया जा रहा है। खैर, मेवात वासियों के लिए अपने आप में बड़ी खुशखबरी है कि मेवात के गांव में एक टीम आई हुई है और लगातार वो गांव-गांव जाकर के कैंप लगाने की बातें भी कर रही है और कोशिश कर रही है कि जितने भी बुजुर्ग हैं या फिर जितने भी गांव के लोग हैं अगर उनकी आंखों में कोई भी समस्या है तो वो आकर के अपनी आंखों का चेकअप करा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ कहाँ काम किया है सर? इससे पहले मैंने एबल चैरिटेबल हॉस्पिटल पलवल में काम करा है जी, और उसके बाद मैंने जगदम्बाई हॉस्पिटल है भिवाड़ी के अंदर जी, उसमें समथिंग 3 साल काम करा है, और उसके बाद मैंने कैनन विजन सेंटर है महेश्वरी में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, उसमें भी मैंने समथिंग 3-4 साल काम करा है। तो मैं कम से कम मेरे को 5-6 साल हो गए, 5-6 साल से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। चलिए, दादाजी कहाँ से आए? फरदड़ी से। फरदड़ी से? हाँ जी। क्या दिक्कत है आँखों में? आँखों में दिक्कत, ये तो खराब होगी, ये बनवाई ही। अच्छा, अब यह से बहुत कम देखने लगो, जब दर्द रहे सिर में। सर में दर्द होता है? सर में दर्द है। हाँ, 3-4 साल लगे दर्द होते इनमें। कहीं इलाज भी कराया आपने? बस कहीं ना करा, बस आँख बनवाई, सो नहीं, सोना में आँख बनवाई थी। हाँ। अब देखिए, यहाँ पर आप आए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज होगा, है ना? अभी बताइए कि यहाँ पर यानी घर बैठे आपका इलाज करा रहे हैं, पहले आप यानी सोना किससे गए थे? सवारी से? सोना सवारी से गए। सोना सवारी से? ये अपनी गाड़ी में ले जाएंगे आपको? बस बस में गए जब तो। हाँ, चलिए देखिए, ये बुजुर्ग हैं जो लगातार आंखों का चेकअप कराने के लिए आसपास के गांव से
बीसरू गांव में आ रहे हैं, बीसरू गांव में जो कैंप लगाया गया है। खैर, आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और हाँ, अगर आपके गांव में भी आंखों की समस्याओं से लोग परेशान हैं तो आप भी इनसे संपर्क कर सकते हैं, और साथ ही आप भी अपने गांव में कैंप लगवा सकते हैं जिससे आपको दूसरे गांव या फिर पुनाना ना जाना पड़े। इसके अलावा अगर आपके गांव में कैंप नहीं लगता है तो आप पुनाना में आकर के अपना चेकअप करवा सकते हैं।